Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to discuss about various problems of international business. The first problem is foreign exchange risk. Now, जो भी हमारे currencies होते हैं, जैसे rupees, dollar, pound, yen, ये अलग अलग country के अलग अलग currencies है और इनका exchange rate जो होता है वो हमेशा fluctuate होते रहता है. Fluctuate होना मतलब क्या, कभी किसी currency का exchange rate जो है वो increase हो गया या कभी वो decrease हो गया. और इसके वजह से क्या होता है, बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है. जैसे कि हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है वो अप्रिशिएट हो गया. अप्रिशिएट होना मतलब क्या, करेंसी की वैल्यू कम होना. तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हम लोग को जो पेमेंट मिलता है वो फॉरेन करेंसी में मिलता है, फिर उसको हम लोग डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे हाथ में जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट क्या होता है, एकदम कम होता है. बिकॉज यहाँ पे हमारे डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू क्या हो चुका है, कम हो चुका है. ये प्रॉब्लम जो होता है वो इंटरनेशनल बिजनेस में फेस करना पड़ता है कि जो भी करेंसी एक्सचेंज रेट है वो हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं. सेकेंड वन इज इंटरनेशनल लॉ एंड रेगुलेशन. जो भी मार्केटर है जो इंटरनेशनल बिजनेस अंडरटेक कर रहा है, उनको जो भी कंट्रीज के साथ वो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो कंट्री के लॉज एंड रेगुलेशन के बारे में पता होना काफी जरूरी है. बिकॉज जब भी हम लोग को उस पर्टिकुलर कंट्री के लॉ एंड रेगुलेशन के बारे में पता नहीं होता है तो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं. काफी बार ये लॉज एंड रेगुलेशन को फुलफिल नहीं करने के वजह से या फॉलो नहीं करने के वजह से बिजनेस को फाइन और पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है. और ये लॉज एंड रेगुलेशन को समझने के लिए बिजनेसमैन क्या कर सकता है, कोई भी लीगल एडवाइजर्स होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं. वो लीगल एडवाइजर जो हर एक लॉ जो होता है या रेगुलेशन होता है उसको अंडरस्टैंड करने में बिजनेसमैन को हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो विद इन द लॉ एंड रेगुलेशन अपना बिजनेस जो है उसकी एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर सकता है. थर्ड प्रॉब्लम इज लैंग्वेज इश्यूज एंड बैरियर. नाउ अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है. इंग्लिश जो होती है वो वर्ल्ड वाइड स्पोकन लैंग्वेज है, लेकिन काफी बिजनेसमैन जो है उनको इंग्लिश लैंग्वेज का इतना नॉलेज नहीं हो सकता है, तो उसमें बिजनेस डीलिंग में प्रॉब्लम आ सकते हैं. जैसे कोई इंडियन बिजनेसमैन है जिसको स्पैनिश बिजनेसमैन के साथ डीलिंग करना है, लेकिन इंडियन बिजनेसमैन को हिंदी लैंग्वेज आती है और स्पैनिश बिजनेसमैन को स्पैनिश लैंग्वेज ही आती है, तो उस केस में वो लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हैं. ये ट्रांसलेटर जो होते हैं वो इंडियन बिजनेसमैन को स्पैनिश बिजनेसमैन क्या बोल रहा है वो हिंदी में समझाते हैं, और स्पैनिश बिजनेसमैन को इंडियन बिजनेसमैन क्या कह रहे हैं वो स्पैनिश में समझाते हैं. लेकिन जब भी ये ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके अंदर काफी सारी इंफॉर्मेशन लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं. मतलब बहुत सारी चीजें जो होती है वो स्पैनिश बिजनेसमैन कहना चाह रहा है वो ट्रांसलेटर इफेक्टिवली इंडियन बिजनेसमैन को नहीं बता पा रहा है, और वाइस वर्सा सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है. तो ट्रांसलेटर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहना पड़ता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज इश्यूज एंड बैरियर्स, और ट्रांसलेशन में काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. फोर्थ प्रॉब्लम इज कल्चरल इश्यूज एंड बैरियर्स. जैसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है जिसकी वजह से लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम होता है, उसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग कल्चर होता है और जिसकी वजह से कल्चरल इश्यूज और बैरियर्स का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. और दो कंट्रीज का जो कल्चर होता है वो शायद तक क्लैश हो सकता है और जिसका बिजनेस के फंक्शनिंग के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है. ना यहाँ पे हम लोग मैकडोनल्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैकडोनल्ड का एक्चुअल बर्गर जो है बीफ बर्गर है. सो मैकडोनल्ड अपना जो बर्गर है वो कंट्रीज में नहीं बेच सकते जहाँ पे बीफ का कंजम्पशन जो एक्सेप्टेबल नहीं है. एग्जाम्पल इंडिया का हम लोग ले सकते हैं. इसके लिए उन्होंने जब बर्गर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया, पोटैटो टिक्कीज का बर्गर जो वो इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया. अगर बीफ बर्गर को उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया होता तो पीपल वुड हैव डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेड दैट बीफ बर्गर. तो ये मैकडोनल्ड का हो गया कि उनको कल्चरल इश्यूज और कल्चरल बैरियर्स जो है वो फेस करने पड़े बिजनेस के अंदर. दूसरा हम लोग एग्जांपल देखते हैं वर्क कल्चर के बारे में. अगर हम लोग जापानीज वर्क कल्चर देखेंगे तो वो लोग ग्रुप एक्टिविटीज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस करते हैं. वही अगर हम लोग यूएस कल्चर के बारे में देखेंगे तो वहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस किया जाता है. तो हर एक कंट्री का जो कल्चर होता है वो अलग अलग होता है, और कल्चर का भी हमारे इंटरनेशनल बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है. फिफ्थ प्रॉब्लम इज फॉल्टी प्लानिंग. फॉल्टी प्लानिंग मतलब क्या होता है, पुअर प्लानिंग होता है. यहाँ पे जब भी हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री करते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है.
जब हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करते तो उसकी वजह से हम लोग को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में हेल्प होता है, प्लस हम लोग जो भी एक्सपेक्टेड रिस्क होता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन फॉल्टी प्लानिंग या पुअर प्लानिंग की वजह से क्या होता है कि हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो होता है वो इनइफेक्टिव होता है और हम लोग को बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड रिस्क जो होते हैं उसको फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ मार्केट रिसर्च। ना मार्केट रिसर्च जो होता है वो किसके लिए किया जाता है, तो हम लोग को कस्टमर के एक्सपेक्टेशन और कस्टमर का प्रोफाइल पता चले कि उनका एज क्या है, इनकम ग्रुप क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, ये हमको फाइंड आउट करने में हेल्प होता है। दूसरा, वी अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, वी अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज के कहाँ पे रिसेशन चल रहा है, कहाँ पे इन्फ्लेशन चल रहा है, वो सब चीज़ें। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अलग अलग कंट्रीज का हमको पता चलता है। सो ये सब चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए मार्केटर जो होते हैं मार्केट रिसर्च अंडरटेक करते हैं। बट काफ़ी बार क्या होता है कि मार्केटर जो होते हैं प्रॉपर मार्केट रिसर्च नहीं करते हैं और उसकी वजह से वो लोग जो भी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस से वो रिजल्ट वो लोग अचीव नहीं कर पाते हैं और उसके वजह से बहुत सारे कंपनीज और उनके जो भी प्रोडक्ट्स मतलब ब्रांड्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। सो भले ही मार्केट रिसर्च जो होता है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट मार्केट रिसर्च नहीं करने की वजह से हमारा बिजनेस जो कम्प्लीटली रुइन हो सकता है, मतलब हमारा बिजनेस जो बुरी तरीके से लॉसेस में से सफर कर सकता है। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिशन। नाउ इंटरनेशनल बिजनेस में बिजनेसमैन को तीन कॉम्पिटिशन को फेस करना पड़ता है। एक तो है जिस कंट्री के साथ हम लोग डीलिंग कर रहे हैं वो कंट्री के लोकल कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, दूसरा जिस कंट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं उस कंट्री में भी हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, और तीसरा दूसरी जो भी कंट्रीज है वहाँ के कॉम्पिटिटर्स। और इस तरीके से तीन साइड से कॉम्पिटिशन आने की वजह से हम लोग का यहाँ पे डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज इश्यूज रिलेटेड एचआर। एचआर का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इशू भी क्रिएट हो सकता है। जब भी हम लोग किसी भी एम्प्लॉय को फॉरेन कंट्रीज में वगैरह भेजते हैं हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, तो उसके वजह से क्या होता है कि वो एम्प्लॉय के लिए हम लोग को काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ सकते हैं, जैसे कि वो एम्प्लॉय का सेटलमेंट हो जाए या उसकी फैमिली की सेटलमेंट हो जाए, उनके बच्चों का एजुकेशन वगैरह, ये सब चीज़ें भी जो होती है वो बिजनेसमैन को हैंडल करना पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम है मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं, जेंडर वाइज अलग होते हैं, कल्चर वाइज अलग होते हैं, कंट्री वाइज अलग होते हैं, और ये सब वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉयज के बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो होता है वो भी इंटरनेशनल बिजनेस में यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज हेवी टैरिफ्स एंड ड्यूटीज। टैरिफ्स एंड ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग को टैक्स भरना पड़ता है, उसको ही टैरिफ्स और ड्यूटीज बोली जाती है। ना जब भी टैरिफ्स और ड्यूटीज बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस प्लस प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, और जब प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो उसका डिमांड जो होता है वो कम हो जाता है, पीपल डोंट बाय सच प्रोडक्ट्स, और उसकी वजह से बिजनेसमैन की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और बिजनेस का सर्वाइवल जो होता है वो डेंजर में आ जाता है। सो दीज वेर ऑल डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेसेस। ये मेरे URL है जहाँ से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।